नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देव बन्नक सर। दोस्तों, मेरे बेटे ने शायद एकाध साल पहले, मेरा बेटा करीब 24 साल का है, उसने एकाध साल पहले मुझसे कहा और मुझे बड़ा झटका लगा। उसने कहा कि जब भी मैं चीटोज या लेज या ऐसे कुछ खरीदता था, फालतू की चीजें, यानी फालतू की मतलब स्नैक्स खरीदता था, मुझे बहुत गिल्ट फील होता था। मुझे चाहिए था और मैं खरीदता नहीं था। छोटी सी चीज मुझे चाहिए था और मैं खरीदता नहीं था या मैं मांगता नहीं था, क्योंकि कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट बैठ गया था कि ये मांगना गलत है और मांगेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। छोटी चीज है। अब लेस का पैकेट कितने का आएगा? 10 रुपए का आएगा, 20 रुपए का आएगा। चीटोस कितने का आएगा? आई मीन कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली चीज है, लेकिन ये छोटी चीजों से मैं वंचित रहा, ऐसे मुझे लगा। और ये टाइप की बहुत सारी चीजें, छोटी चीजें। मैंने कहा, यार ये तुझे कब लगा? उसने कहा, हाँ मुझे लगा है, मुझे ऐसे लगा था तभी, क्योंकि मैंने एक दिन मांगा था और मां ने मना कर दिया था और उसके कारण मुझे ऐसे लगा कि मुझे नहीं मांगना चाहिए। बच्चे लोग छोटी छोटी चीजों को दिल पर ले लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। टीचर्स कुछ ऐसी चीजें कह डालते हैं, गुस्से में आके कह डालते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं। वो तो कह के भूल भी जाते हैं, बच्चे याद रखते हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड में ये टीचर ने कहा था, तू बड़ा होके निकम्मा बनेगा, तू कुछ नहीं बन सकता है, तू बिल्कुल बेकार है, किसी टीचर ने कह दिया था। वो दिल पे लग जाता है और दिल में रहता है और 12th स्टैंडर्ड हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेज क्या वो नौकरी पे लग जाता है, नौकरी पे लग जाता है, फिर भी दिल में वो बात रह जाती है कि मेरे टीचर ने कहा था कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारा मैथ टट्टी है। और ऐसे अगर बार बार बहुत सारे टीचर्स ने कह दिया है, क्योंकि वो बच्चे को वो जो भी था, प्रॉब्लम्स थे स्कूल में, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स थे, मोटिवेशन के प्रॉब्लम्स थे शायद, या घर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे, या जो भी था घर के माहौल के कारण से हो सकता है, या बच्चा मोटिवेटेड नहीं था, या चलो यार बच्चे को पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना है? अरे नहीं पढ़ना है यार, वो उसका एक तरह से हम कह सकते हैं उसका नेचर में ऐसे था कि वो खेलना चाहता था और आपने पढ़ने पे डाल दिया, उसका मन आर्ट्स में लगता था और आपने साइंस में डाल दिया, तो उसे उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। तो जो भी है, वॉट एवर द रीजन, बच्चे अपने दिल पे एडल्ट्स की बातें बहुत सीरियसली ले लेते हैं, मां बाप के कहने पे। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे इंसिडेंट्स में भूल चुका हूं, बहुत सारे इंसिडेंट्स में भूल चुका हूं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स मुझे आज भी याद हैं और मेरे मन में एक छेद की तरह या एक घाव की तरह है। एक दिन ऐसे हुआ कि मम्मी ने मुझे दुकान भेजा, मुझे लगता है कि 10-15 रुपए का अमाउंट था। अक्सर मॉम को अस्थमा था तो कुछ टैबलेट्स लेने के लिए वो मुझे भेजा करते थे। दुकान आई थिंक अबाउट एक आध किलोमीटर दूर था। उन दिनों में बच्चों को एक आध किलोमीटर दूर भेजना, क्योंकि रास्ते काफी सुनसान होते थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं, एट द मोस्ट एक आधा ऑटो रिक्शा आता था जाता था, या साइकिल वाला आता था जाता था, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक हुआ करता था। मैं अहमदाबाद की बात कर रहा हूं और साल होगा करीब 1975 के आसपास। तो मैं दुकान पे पहुंचा, करीब 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर था, दुकान पे पहुंचा, दवाई लिए और मैंने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए गायब। मैंने कहा, कहां गए 15 रुपए? 15 रुपए उन दिनों में बहुत बड़ा रकम था, 15 रुपए खो गए, और उन दिनों में कोई उधारी नहीं देते थे। तो मैं मेडिसिन लिए बगैर घर पे आया, बोला कि 15 रुपए खो गए। अब बात देखो,
मम ने डांटा, लेकिन डांटने के बाद उन्होंने 15 रुपए और दिए, संभाल के जाओ, इस बार कुछ मत करना, देखो जेब में ठीक से रखो, पॉकेट में छेद कुछ है तो देख लो। सब बोले और 15 रुपए दिए। वो 15 रुपए मैंने कहा मैं हाथ में ही रख के जाऊंगा, मैं मुझे पॉकेट में भी नहीं रखना है, मैंने हाथ में ही रखा, मुट्ठी में रखा, और मैं गया दुकान पे, और दुकान पे जाके क्या देखता हूं कि मेरे हाथ से 15 रुपए गिर गए। यार पॉकेट से 15 रुपए खो गए, हाथ से 15 रुपए गिर गए, अब मैं घर कैसे जाऊं, घर जाके बोलूंगा क्या, मार पड़ने वाली है। और जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, मैं घर आया वापस, मैंने बोला 15 रुपए गायब हैं, अब मुझे पता नहीं है, मेरे पास कुछ कहने के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। डैड ने नहीं डांटा, डैड ने कुछ खास डांटा नहीं, लेकिन मॉम ने जो न्यूज़पेपर्स को ऐसा रोल किया और दबा दब मारा है, वैसे न्यूज़पेपर का रोल से कितना लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, आवाज आता है, लेकिन वो जो मेरे सीने में जो मेरे हार्ट पे जो लगा है उनके मारने से, और उन्होंने बहुत सुनाया कि निकम्मा है तू, झूठा है, तूने कहीं और पैसे रखे हैं, तूने चोरी किया है, पता नहीं अभी क्या क्या सुनाया था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद है कि बहुत सुनाया। और मैं उस एक इंसिडेंट से करीब करीब घायल हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस टूटा, और वो कॉन्फिडेंस जो टूटा है उस दिन के बाद कई बरसों तक उस एक इंसिडेंट को लेके मेरा कॉन्फिडेंस टूटा ही रहा कि मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे पैसे कैसे गायब हो सकते हैं। मॉम ने फिर मुझे पॉकेट मनी देना शुरू किया, देते थे 2 रुपया 5 रुपया सब देते थे, मुझे इंसिस्ट करते थे कि लेके जाओ, खाना है तो कैंटीन से खा लो, लेकिन वो चीज वो इंसिडेंट का मेरा घाव नहीं भरा, मुझे आज भी याद है। तो ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं, लोग फॉर एग्जांपल मेरे मॉम ने मुझे मनहूस कह दिया एक दिन कि तू मनहूस है, और ये भी ये तक कह दिया कि तू बच्चा था तो किसी ज्योतिष ने कहा था तू मनहूस निकलेगा, और सच है तू मनहूस निकला। और किस लिए ऐसे कहा, क्योंकि हम किसी से मिलने जा रहे थे कहीं, मेरी मॉम काफी पॉलिटिकली एक्टिव थी, तो एक दिन करीब शाम के 7 या 8 बजे उन्होंने कहा चलो हम सो एंड सो पॉलिटिशियन से जाके एक बार मिलकर आते हैं, उनके घर पे जाते थे हम, बहुत लोग बड़े बड़ी हस्तियों के घर पे हम लोग जाते थे, कभी ऑटो में कभी पैदल, चीफ मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर्स और ऐसे लोगों के घर हम पैदल पहुंच जाते थे रात के 7, 8, 9, 10 बजे, और बिल्कुल बातचीत करके आते थे और अच्छे से बात होती थी। तो मॉम बोले चलो उसके घर जाते हैं, तो मैंने कहा अगर वो घर पर ना हो तो, उन दिनों में फोन हमारे घर में नहीं था, फोन करने के लिए 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और किसी सोसाइटी में एक फोन रखा हुआ था, वहां जाके वो वॉचमैन को पैसे देके फोन करना, वैसे सब हुआ करता था। तो उन्होंने कहा चलो हम जाके मिलकर आते हैं, और मैंने कहा वो इंसान अगर घर पे न हुआ तो। अब आपको याद होगा दोस्तों कि जब हम टोक देते हैं तो पहले के जमाने में टोक देना बहुत गलत माना जाता था, तुम किसी को टोको मत, कोई बाहर जा रहा है तो ये मत पूछो कहां जा रहे हो, या ये मत कहो अभी मत जाओ कल जाओ बाद में जाओ, ऐसे मत कहो, क्योंकि वो टोकना होता है और टोकने से अपशकुन होता है। तो मॉम ने कहा तुम अपशकुन कर रहे हो, तुम टोक रहे हो मेरी बात, क्यों टोक रहे हो, तुम्हारा जुबान काला है, तुम्हारा मुंह काला है, वगैरह वगैरह कुछ कह दिया। उसको कन्नड़ा में अड्डा मात कहते हैं, अड्डा मात मतलब बेसिकली क्रॉस बोलना, आड़ा बोलना, तो तुम आड़ा बोलते हो वगैरह। मैं छोटा था, शायद सेकंड स्टैंडर्ड में या थर्ड स्टैंडर्ड में था, कह दिया उन्होंने तू मनुष्य है, तू ऐसा है, तू आड़ा क्यों बोल रहा है वगैरह।
फिर भी हम उसके यहाँ गए, उसके घर पे गए और सचमुच ऐसा ही निकला कि वो उन्होंने कहा, उनके वाइफ ने या जो जिन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है। अरे बाप रे, मुझे जो डांट पड़ी है लौटने के टाइम पे, मम्मी ने मुझे खींच खींच के ऐसे, वो चल रहे थे, हम चल रहे थे और वो ऐसे खींच रही थी मुझे, चल घर पे चल, तुझे दिखाती हूँ, बड़ा काला जबान है तेरा, जैसे कि वो उनका घर पे न होना मेरी गलती थी। बहुत सुनाया उन्होंने, बहुत सुनाया, यानी मुझे आज तक वो याद है, तू मनुष्य है, तू जब तेरा जन्म हुआ था किसी ने कह दिया था कि तू मनुष्य है और तेरा तेरी जुबान काली है और ऐसे सब, आज भी याद है मुझे। मोम गुजर चुके हैं, गए साल, ये साल गुजरे 2023 के बिगिनिंग में गुजरे। नॉर्मली ऐसे बात नहीं करते थे और बाद में चल के उन्होंने बात नहीं किया, ये बचपन में कहा। वैसे मोम और मेरा अच्छा भी रिश्ता था, बहुत फ्रेंडली और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी थे हमारे रिलेशनशिप में, और मोम के पर्सनैलिटी में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे भी, ऐसे नहीं है कि माइनस ही माइनस था, बहुत प्लस पॉइंट्स थे, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे। लेकिन ये माइनस जो उन्होंने किया वो आज तक मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग में छेद होके बैठ गया, जैसे जैसे कि किसी ने मेरे ऊपर एक जलता हुआ सिगरेट रख दिया हो और थस करके वो जो चमड़ी जल जाती है ना वहां पे, उस तरह का जल गया मेरे दिमाग के अंदर। तो हम जो बच्चों से कहते हैं, अडल्ट्स जो बच्चों से कहते हैं, हम कह डालते हैं और हम कह के भूल भी जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है, हमको लगता भी नहीं है कि वो उसका कोई खास महत्व है। लेकिन बच्चों के दिमाग में वो बात का बहुत महत्व रहता है। तो मैं अडल्ट से कहना चाहता हूं, टीचर्स हो पेरेंट्स हो, तो मैं कहना चाहता हूं, भाई जो भी कहते हो ना अपने बच्चों से, जो भी ऐसे कह डालते हो, गुस्से में आके कह डालते हो, थोड़ा संभालो और एक जनरल स्टेटमेंट कह दो कि देखो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने गुस्से में कह दिया होगा, प्लीज उसको इरेज कर दो, एक रबर लो और उस दिमाग से रब करके निकाल दो। बच्चों से कहो, नहीं तो वो मार्क जो रहता है उनके दिमाग पर वो कभी रब आउट नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। मेरे टीचर्स ने भी कुछ ऐसे ऐसे चीजें कही। एक टीचर थे, बहुत फेवरेट थे मेरे, थे मतलब आज भी शायद, अगर वो जिंदा हैं तो आज भी फेवरेट ही हैं, और उनके साथ मेरी बहुत बनती थी। और स्कूल से पास आउट होने के बाद कॉलेज में था तभी भी मैं जाके उनसे मिलकर आता था, और 2007-8 आई थिंक 8 या 2010 में भी हम लोग जाके उनसे मिलकर आए थे, हम सब लोग गए थे, मैं और मेरे क्लासमेट सब लोग गए थे उनसे मिलने। अब देखना ये है कि वो अभी हैं, क्या हाल में हैं, जिंदा हैं, क्या है मुझे पता नहीं। मैं मिलके भी आया था 2013 में, उनसे मिलने गया था, उनके घर पे मिलकर आया, वो फेवरेट टीचर थी मेरी। लेकिन एक बार उन्होंने जो कड़वा बोला, यही सब कि तू गैस मारता है, फोर्थ स्टैंडर्ड में बोला, कृष्णा इंग्लिश में बोला था, डोंट गैस, यानी तुम बहुत फेंकते हो, तुम बहुत गैस मारते हो। अरे यार, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि क्या कह रहा था, बहुत मामूली चीज कह रहा था, ऑर्डिनरी चीज और सच बात कह रहा था। लेकिन टीचर, कृष्णा डोंट गैस, दो बार कहा, आज भी मेरे दिमाग में वो एक जली हुई जगह की तरह मौजूद है। और बाद में आके शायद 10th या 11th में मैं जब था, तो मैंने एक पोएम लिखा, मैंने पोएम लिखा और उनको दिखाया, मैं बहुत प्राउड था उस पोएम से, अच्छा था पोएम, जेन्युइनली अच्छा था पोएम। और वो पोएट्री का, पोएम का जो एंडिंग था वो ट्रेजिक था, कविता का एंडिंग ट्रेजिक एंडिंग था, ट्रेजेडी वाला एंडिंग था, या ट्रेजेडी भी नहीं था भाई, मौत वगैरह को लेके था, बच्चे लोग इस तरह के पोएम्स लिख देते हैं, तो जिंदगी और मौत के बारे में था और अचीवमेंट के बारे में था और आखिर में जो मौत आता है, इस तरह की कुछ ये थीम थी, उसके डिटेल में बाद में जाते हैं किसी दिन। तो मैंने उन्हें दिखाया पोएम, मैं, मुझे लगा वो पोएट्री को पोएट्री की तरह अप्रिशिएट करेंगे, कविता है कविता की तरफ पढ़ो,
लेकिन उन्होंने किसी कारण से ये सोचा कि मैं उनको, वो मेरे इंग्लिश टीचर है इसलिए मैं उनको करेक्शन के लिए दे रहा हूं, तो वो करेक्ट करने बैठ गए कि ये एंडिंग चेंज कर दो। मैंने कहा मैम, मैंने एंडिंग को चेंज करना या वो आपसे, मैंने वो आपसे वो सॉल्यूशंस मांगे नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, कि ये कोई प्रॉब्लम है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। मैंने कविता लिखी है, मैंने आपको पढ़ने को दिया है, उसमें चेंजेस करने को नहीं दिया। तो नाराज हो गए, तुम यूजलेस हो, तुम यूजलेस के यूजलेस रहोगे, तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम जिंदगी में यूजलेस रहोगे, ये सब बोल डाला। मैंने, मेरे दिल पे बहुत चोट लगी। मैंने कहा यार ऐसे सब क्यों 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 सब, यानी फेवरेट टीचर हैं इसलिए ऐसे सब सुना सुनाने का हक उनके पास आ जाता है। शायद उन्होंने, मैंने कुछ जवाब में भी कुछ कहा होगा, भी मुझे ठीक से याद नहीं है। बाद में भी हमारी अच्छी बनती थी, लेकिन ये सब कह के उन्होंने मेरे दिल पे घाव कर दिया। बच्चों के दिल पे घाव मिटते नहीं है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों के दिल पे घाव मिटते नहीं है, वो घाव बना रहता है। जब तक आप एडल्ट मिटाते नहीं हो, या जब तक उनकी बात सुन के एक बार उसका क्या करते हैं, क्या कहते हैं, निवारण नहीं कर देते। तो एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स, आपने अगर कुछ कह दिया है गुस्से में आके या बिना सोचे समझे, इट्स अ गुड आइडिया कि एक बार बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे बच्चों के साथ कभी कभी डिस्कस करता हूं और वो कहते हैं कि डैड तुमने यार एक बार तो मुझे धो ही डाला था, बहुत मारा था मुझे बचपन में, मैंने उनके ऊपर बहुत हाथ उठाया था, और ये सच है। वो कहते हैं, और कहने के बाद ऐसे नहीं है कि वो कहते हैं इसलिए मैं सॉरी कह देता हूं और वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, उन्होंने कह दिया, मैंने सॉरी कह दिया, चलो हो गया, यू नो इट्स ओके। ऐसे नहीं है, इट इज नॉट अ मैकेनिकल कॉन्वर्सेशन। मैं सुनता हूं, मैं कहता हूं मैंने किस संदर्भ में मारा था, क्या हुआ था, क्योंकि कभी कभी ये इंसिडेंट मुझे याद ही नहीं रहते थे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको याद है, उनके दिमाग में है ये सब, कि मैंने ये कहा था, मैंने ऐसे मारा था, मैंने इस तरह से मारा था, जोर से चाटा मारा था और वो मार्क रह गया था, रात की नींद से उठा के मारा था, ये सब मैंने किया है। और मुझे अफसोस है, लेकिन जब मैं 30 32 35 साल का था, बहुत हॉट टेम्पर्ड था, और शायद 40-45 साल का था तभी भी हॉट ही टेम्पर्ड था, मेरा टेम्पर बहुत गर्म था। अभी थोड़ा ठंडा हुआ है, ऐसे नहीं है कि बहुत ठंडा हुआ है, लेकिन थोड़ा ठंडा हुआ है। तो लोग मुझे नाराज राव कहते थे, यानी कृष्ण राज राव ना, तो नाराज राव निकनेम था मेरा घर में, नाराज राव, नाराज रहता है, हर बात पे नाराजगी। तो मैंने हाथ उठाया है, मैं बात करता हूं, ऐसे कॉन्वर्सेशन में कभी बात निकल आती है तो मैं कहता हूं अच्छा क्या हुआ था, तो वो कहते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा गुस्सा भी शायद होते हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा हंस भी लेते हैं, यार तुम्हारा टेम्पर बहुत बुरा हुआ करता था यार, क्या कहते हो यार, किस तरह से तुम, क्या तुमने किया था यार, बच्चे पे हाथ उठाते, वो भी सोते हुए बच्चे पे तुमने हाथ उठाया, बच्चे ने बेड में सुसु किया तो छट करके दे देने का, मैं सोया हुआ हूं और बम पे चिपका देते हो, ये क्या है, ये कैसी बात है। वो कहते हैं और मैं सुन के लेता हूं और डिस्कस करते हैं, और फिर मैं सॉरी भी कहता हूं, मुझे माफ करो भी कहता हूं, मैं 2-3 बार कहता हूं, और ऐसे नहीं है कि भाई मैकेनिकल है, हाँ चलो माफी दे दिया, ऐसे नहीं है, इट्स अ मोर नेचुरल फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन, थोड़ा हंस के भी होता है, थोड़ा रोना आता है तो रोते हो, रोके भी होता है, और ऐसे नहीं है कि हाँ एक बार कह दिया तो चलो हो गया, बात खत्म, अभी को ये हिसाब किताब क्लोज हो गया, नहीं, बात करना चाहते हो तो और भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हमें माइंडफुल रहना पड़ता है कि टॉपिक ओपन करो,
अनकंफर्टेबल टॉपिक है, पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों के लिए अनकंफर्टेबल है। हमने गलतियां की है, हमने बच्चों की परवरिश में गलतियां की है, हमने वो सब किया है जो नहीं करना चाहिए और कहा है जो नहीं कहना चाहिए, जो आज हम नहीं कहते, आज अगर होता तो हम नहीं कहते। मेरे पोते अगर हो जाएंगे तो शायद मैं उसी तरह से नहीं करूंगा, और कोई और करेगा तो मैं रोक भी दूंगा कि ऐसे मत करो। लेकिन वो टाइम ऐसा था, मेरा टेंशन ऐसा था, मेरा दिमाग ऐसा था, मेरी हालत ऐसी थी, बच्चे जो थे बच्चे तो बच्चे थे, लेकिन मैं टेंशन में रहता था, वगैरह वगैरह। कारण बहुत हैं, कारण और बहाने के बीच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहता है। लेकिन हमें कॉन्शियसली इन चीजों को मिटाना पड़ता है, जाके उसे एड्रेस करना पड़ता है कि भाई ये ऐसे हुआ था, ये सच है, इस सच को मैं सच मानने को तैयार हूं। और कभी कभी मुझे याद भी नहीं आता है कि मैंने कुछ किया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ कहती हैं और मेरी बेटी भी शायद कहती हैं कि एक बार मैंने मेरे बच्चे को उठाया था, अपने हाथ के बल ऐसे पकड़ के उठाया था और बेड पे ऐसे पटक दिया था और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। अब मुझे भी याद नहीं है, मेरे बेटे को भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। डिसलोकेट तो खैर हुआ नहीं, लेकिन चोट हुआ था या ये भी किसी को याद नहीं है मेरे। लेकिन भाई परिवार वाले कहते हैं नहीं तुमने ऐसे सब किया है, मैं कहता हूं मैंने ऐसे किया था। मेरा बेटा भी कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वी ओपन द कॉन्वर्सेशन, हम बात करते हैं और बात करके इन चीजों को मलम लगाना नहीं कहूंगा, लेकिन नॉर्मल करना, यानी किसी भी चीज जो हमने कह दिया है उसको एड्रेस करना, एक बार आईने में शक्ल देखना, ये तो बनता है। और उनके सामने कोई ऐसा क्लोज चैप्टर नहीं होना चाहिए। कुछ अनकंफर्टेबल बातें हुई थी या कुछ अनकंफर्टेबल इंसिडेंट हुआ था, हो सकता है कि गाली गलौच हुआ हो सकता है कि गंदी गाली गलौच हुआ हो। मेरा टेंपर जब जाता है बहुत गंदा बोलता हूं मैं, आप तो जानते हो मैं गाली गलौच के साथ कभी कभी बात करता हूं, मेरी जबान तो बड़ी गंदी है अगर मेरा टेंपर जाता है तो, और घर वालों के साथ भी, और आवाज तो एकदम यानी 8th फ्लोर पे पहुंच जाता है। लेकिन अपना जो भी है, जैसा भी है, कमजोरी है, जो भी है, उसको फेस करना चाहिए, बात करना चाहिए, ओपन में लाना चाहिए और बने वहां तक उसको मिटा देना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवर्मन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।